नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम मनीष और बादशाह भाई असील चैनल पर आपका स्वागत है। फिर से मैं आया हूँ कालू भाई के सेटअप पर, कालू खलीफा दिल्ली के, और पार्ट इस बार 4 है इनका। सबसे पहले मैं आपको एक जानकारी देना चाहता हूँ, लाल किले के माल से सतर्क रहिए। लाल किला जामा मस्जिद, लाल किला जामा मस्जिद के बारे में बताना चाह रहा हूँ। उन तो लोग वहाँ के खूब मुर्गे ले लेकर बड़े दीवाने हो रखे, फिर वो लेके आते हैं घर और फिर उनके मुर्गे मर जाते हैं, पिट जाते हैं। थके हुए बेकार मुर्गे लेकर आता है, कोई खर्रा में लेकर आता है। तो वो जानकारी के ऊपर मैं एक अलग से वीडियो बनाऊँगा, क्योंकि बहुत दिन हो गए सब लोग करते भाई वीडियो नहीं बना रहे। तो फिर से ब्लॉग के लिए आया हूँ और इस बार कालू भाई के नए मुर्गों से मैं आपको मिलवाता हूँ। आइए दोस्तों, ये हमारे कालू भाई, कालू खलीफा ही नहीं कहते हैं, और पार्ट इस बार 4 बनने जा रहा है। कालू भाई तो कैसे हो? अच्छे हो? बढ़िया, सबको ठीक ठाक है? सब ठीक। तो इस बार क्या शौक कराओगे? मुर्गों का शौक कराएंगे। अच्छा, कुछ लोग पूछते हैं कि भाई जैसे कि मेरे से व्यूवर्स फ़ोन करके कि मतलब कमेंट डालते हैं कि लाल किले का माल और फिर अपना रेट कस्टम रेट कभी बताते नहीं क्योंकि इतना सेल नहीं। हाँ, बाकी जिसको चाहिए वो कमेंट में अपना नंबर डाल सकता है, कॉल उस पर हो जाएगी और बात हो जाएगी, ठीक है ना भाई? और बाकी भाई ये 2 कोड़ी का माल नहीं है क्या? आप सोचते हो कि 2000-3000 वाला इनकी मुर्गियाँ, मुर्गियाँ इनकी हैवी होती हैं। आपको रेट बता दूँ मुर्गियों का, जो खिलाड़ी होता है वही इस बात को जानेगा, मैं आपसे रियल बता रहा हूँ। बाकी आपको शौक कराते हैं मुर्गों का, ठीक है? तो कालू भाई ये बताइए कहाँ का परिंदा है और ये कौन सा मुर्गा है? ये जावा मुर्गा। जावा मुर्गा, साइज में क्या होगा? साइज में पौने 16 साइज। पौने साइज में कहाँ का नस्ल है ये? हाँ, ये अपनी अपने जावो का बच्चा है। अच्छा अच्छा, क्या एज में हो रहा होगा? क्या एज हो रही है इसकी? एज क्या है? हो रहा है 1.5 साल। नलियाँ कौन सी इसकी? गोल नलिया है। गोल नलिया, नलियों का शौक कराते हैं भाई, आपको देखिए। और भाई हड्डी में क्या है? हड्डी में डबल हड्डी है। डबल हड्डी है, डबल हड्डी का। तो ये डबल हड्डी मुर्गा। ताज में भाई जी क्या है? ताज दारा है, आइज और मैं इसके वाइट आइज है और देखिए डंडे भी इसके वाइट ही हैं। पूंछ इसकी लंबी है। अभी थोड़ा झाड़ में है क्या मुर्गा का? सब पुरुष पाक हो रहे हैं मुर्गे इनके। और क्या खासियत रखता है मुर्गा ये बताइए, कुछ खासियत आपके नज़र में, क्या इसमें खासियत है आपको? बहुत अच्छा। क्या पसंद है आपको इस मुर्गे में? मतलब पसंद क्या, हड्डी का भी अच्छा है, ठीक है, उसकी फाइट भी, मतलब लड़ाई भी अच्छी है। चलिए ओके, मुर्गा अच्छा है और हम दूसरे मुर्गे का शौक करते हैं, ठीक है? चलते हुए मुर्गा दिखाया जा रहा है आपको, ठीक है? और कुंदे उंदे दिखा रहा हूँ इसके, देखिए चौड़े कुंदे हैं। मुर्गा एकदम फुल तेज है, अग्रेसिव है मुर्गा, ठीक है? देखिए, चलिए तो बताइए कालू भाई ये कौन सा मुर्गा है पहले? तो ये गलवा मुर्गा है। गलवा मुर्गा है तो भाई ये घर की नस्ल है? नहीं नहीं, ये सब बाहर की है। बाहर की नस्ल है, पूरज में है मुर्गा, कांटे जभी बुरा मान रहा है। अच्छा, नली कौन सी भाई जी? नली इसकी गोल नली है। इसकी गोल नली है। जरा मैं नली और मुर्गे का शौक कराता हूँ भाई, जरा ध्यान से देखिए मुर्गा। मुर्गा गलवा है भाई जी, और क्या साइज में है ये? साइज में ये है, ये 15 साइज। नटिया है? नटिया है। अच्छा, अभी थोड़ा कुरेज में है, कोई नहीं, उतर अंदो से जरा उतर जाए अपना। एक लो भाई चल वल के दिखा रहे हैं, बड़े गर्म हो रहे हैं मुर्गे भाई के। ताजदारा है भाई जी, हैं लॉन्ग ताज है भाई जी। और नलियाँ कौन सी इसकी? गोल नली है। गोल नलियाँ, हड्डी इसकी? हड्डी सिंगल हड्डी है। कलर? कलर तो लाखा ही, पीला लाखा है। पीला लाखा है चल रहा है भाई, ऐसा स्वभाव में बड़ा गर्म है ये। कांटों की मशीन है। अच्छा, कांटे की मशीन देख लो भाई जी, मशीन देख लो। और भाई ब्रीड कम कराते हैं, मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ मुर्गे के बारे में। और शौक है भाई का, बड़े दूर दूर से भाई मुर्गे लेके आते हैं। ये भाई नस्ल अपने घर की है? घर की नस्ल है? नहीं नहीं, बाहर की। कहाँ के? बाहर की? ये अजमेर साइड की नस्ल है। अजमेर साइड की नस्ल है। अब ये देख लो, एक मुर्गबाज कहाँ कहाँ से मुर्गे लाला के इकट्ठे करता है। और लोगों को लगता है, हैं, कि लाल किले का माल, जामा मस्जिद। अच्छा भाई, कभी आपने लाल किले से माल खरीदा? नहीं, मैंने नहीं। कभी नहीं है? क्या कहना चाहोगे उसके बारे में? मैं कभी जाता भी नहीं, मैं 2 ही बार गया हूँ, वो भी मैं कभी, जैसे कि मेरे पे अच्छा मुर्गा था तो मैं कुड़क मुर्गी के चक्कर में गया था, मतलब अंडों पे बिठाने के लिए। अच्छा अच्छा अच्छा, बाकी मैं वैसे तो। चलिए वाकई भाई देख लीजिए, इस बार का शौक है भाई के यहाँ का। वाकई तो बहुत मुर्गे हैं, अभी और दिखाते हैं, ठीक है?
तो भाई जी ये मुर्गा कौन सा पहले तो ये बताइए। ये लाखा मुर्ग है। लाखा मुर्ग है, क्या साइज में है? ये 15.5 साइज है। 15.5 साल, थोड़ा सा दबा दबा है, बच्चा है, थोड़ा है मतलब। पट्टा अपने घर का है ये? हाँ सर, झाड़ में ना थोड़ा बुरा मान लिया पकड़ने का। आइज वाइज देख लीजिए, चेहरा देख लीजिए, चेहरे साफ है, लॉन्ग ताज है, चोंच देख लीजिए, आंखों का शौक कराता हूँ। बॉडी इसकी भाई जी डबल हड्डी में क्या? हाँ डबल हड्डी, डबल हड्डी में। साइज में क्या बता रहे हो, फिर से बताना। साइज में 15.5 साइज है। 15.5, हाँ थोड़ा झुकावा, बाकी नीचे छोड़ने पर इसकी रंगत पता चलेगी। मुर्गा थोड़ा आपको दिख रहा है, बाकी अच्छा मुर्गा है, पूंछ वूछ साफ में, थोड़ा ये भी क्लोज में है। ये झाड़ में है। अच्छा झाड़ में है, अच्छा लाखा परिंद है। नलिया शौक बताइए भाई जी। नलिया चौरस नली में देख लीजिए भाई, डंडे एकदम साफ है। और कुंडे इसके दिखाते हैं एक बार, नीचे छोड़ कर दिखाता हूँ एक बार मुर्गा। ब्लड लाइन में से, ब्लड लाइन कहाँ के? ये ब्लड लाइन है इसकी, इधर की ग्वालियर साइड का। ग्वालियर साइड का है, देख लीजिए भाई ग्वालियर साइड का है ये मुर्गा, अब छोड़ने पे पता चलेगा। तो ये है मुर्गा छोड़ा, आप देखिए खुलने के बाद इसके कुंडे उंडे देखिए, ये पट्टा है, डरा है थोड़ा सा, पकड़ने का बुरा मान रहा है। हाँ बाकी हम पकड़ के दिखाते नहीं भाई मुर्गा वर्गा, ना हमारी वीडियो में ना मुर्गा बिल्कुल पकड़ा जाता नहीं। मुर्गा आप देखिए, आप बताइए आप कैसा लग रहा है मुर्गा, ध्यान से देखिए। अब अपनी रंगत में आया मुर्गा, अपनी हरकतों में, मैं आपको दिखाना चाहता हूँ। देखिए साइड से देखिए, पूरा शौक करिए मुर्गे का। क्वालिटी बताइए व्यूवर्स कैसे इस बार की, कालू भाई के शौक घराना देखिए, बहुत ज़बरदस्त। दूसरे का शौक करते हैं ठीक है। तो भाई जी ये बताइए कौन सा मुर्गा है ये? ये मेरे घर की ब्रीड है। घर के ब्रीड है, क्या मुर्गा है ये पहले तो बताइए। ये लाखा परंद है, बड़ा ही उड़ान वाला मुर्गा है भाई जी। क्या साइज में है भाई जी? ये भी 15 साइज, ये भी नटिया है। हाँ नटिया है, ये घर की ब्रीड है। और डंडे वंडे इसके? डंडे वंडे इसके गोल डंडे। देखिए भाई जरा डंडे वंडे को शौक करिए मुर्गा, देखिए जरा A1 मुर्गा है। अभी क्या उम्र में हो रहा भाई जी? ये अभी है 11 महीने का। 11 महीने का, जल्दी कांटों में, जल्दी कांटों में है। और मैं जरा साइड से वीडियो, टीकर मुर्ग है, चेहरा साफ है, जरा लाखा मुर्गा, कुंडे साफ है बिल्कुल। और हड्डी में भाई जी क्या, डेढ़ हड्डी है, सिंगल है? डेढ़ हड्डी है, बड़ा एक्टिव बर्ड है। क्या बात है, ये बात हुई ना बांग दे करके बंदे ने खेल कर दिखाया। बाकी मैं छोड़ना चाहूँगा एक बार नीचे, तब दिखाते हैं इसको, घेर के रखते हैं। नीचे छोड़ा भाई, पूँछ देखिए, पल्ले इसके लंबे पल्ले हैं, लंबी पूँछ है। मुर्गा नटिया है, नटिए का बहुत शौक करते हैं लोग बाग। तो भाई नस्ल कहाँ की थी वैसे? ये अपने घर से तो बनी है, मगर ये है कहाँ की? नहीं ये मेवात की है। मेवात की नस्ल है, मेवात की नकल नस्ल है। इनका बाप था मेवाती। अच्छा हाँ, तो ये वहीं की नस्ल है उनके, फिर हमने एक मुर्गी लगाई इससे, ये बनाई। अच्छा मुर्गा देखिए भाई, बड़ा ही जहर है, कहीं कूद ना मारे। मैंने कहा कूद मार दे, कहीं मेरे को देख, तो बड़े ध्यान से रहा था। चलो भाई, तो भाई ये बताइए ये कौन सी नस्ल है? ये पीला मुर्गा है। पीला चीता है? चीते में है ये? नहीं चीते में ही, पीला तो पीला, पीला इसके माँ बाप सिरजा वर्जा में है, हल्का है सिरजे में, पीले सिरजे में। तो ये मुर्गा कहाँ का भाई जी? ये भी मेवात का ही है। मेवात का ही है? हाँ, पर ये आगे से मैंने मेवात से लिया, पर ये आगे से मेवात का नहीं है। अच्छा, साइज में? राजस्थान से। साइज में क्या है ये? साइज में ये भी 15 साइज है। और मुर्गा थोड़ा सा दबरा भी दिख रहा है, नीचे खोलने के बाद पता चलेगा। बाकी ये भी कुरेज में है भाई जी मुर्गा है? सारे मुर्गे इनके झाड़ पे चल रहे हैं। वाइट डंडों में हैं, डंडों का शौक करिए बिल्कुल इसके, डंडे नलियों का शौक करिए, आंखें भी वाइट है मेरे का, चेहरे का शौक करिए। हड्डी में क्या भाई जी? सिंगल हड्डी है। नटिया है क्या ये भी? अच्छा मुर्गे कुरेज पाक पे चल रहे हैं भाई जी। और से छोड़ता हूँ तब मैं दिखाता हूँ एक बार, ये देखिए आप मुर्गा, आप शौक होगा मुर्गे का। आप बताइए व्यूवर्स मुर्गा कैसा है, बताइए क्वालिटी भाई। देखिए अपनी आलू भाई के मुर्गे, आलू उस्ताद लेने वाले बोलते हैं भाई आप बेचते तो हो नहीं, खामा खाए जो मर्जी रेट बोल दे तो भाई, बात वो नहीं है लेने वाली। असल में ये खिलाड़ी जो आदमी होते हैं ना, मैं आपको बता दूं, ये एक एक मुर्गा
बड़े दूर दूर से ढूंढ ढांड के लाते हैं। अब इन्होंने देखो मेवात बताया, एक राजस्थान बताया, और कहाँ से? ग्वालियर से। अब सोचो एक मुरगबाज कहाँ कहाँ से लाकर मुर्गे कहाँ कहाँ से मुर्गे लाकर इकट्ठे करता है। फिर आप बोलते हो कि भाई बेचने में बेचते हैं, भाई कुछ बच्चे होते हैं बनाए जाते हैं। और एक बात याद रखना, कोई भी मुरगबाज अगर मुर्गा हटाएगा तो उसमें कमी होगी तभी हटाएगा, वरना मतलब ही नहीं। क्यों, सही कह रहा हो भाई जी? मुर्गा हटाने का मतलब यही होता है मुर्गे में अगर कोई फॉल्ट आया। और ये लाल किले वाले तो सच्चाई बताते हैं नहीं, वो बीमार मुर्गे लेके आए, लाकर झोल में इकट्ठा करा 2,500-3,000 रुपए, और बंदे उसी में खुश होते रहते हैं। खराब करने वाली बात है, 1% कोई अच्छा किसी के पास निकल गया। हाँ, नहीं तो बाकी तो सारे बिल्कुल सारे हटाने वाले फॉल्टेड माल होता है, दबा हुआ है, कोई पिटा हुआ है। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। अब लोग ले लेकर उनको आकर के उसमें बस कहते हैं हाँ भाई 2,500 का मिल गया, कोई सोचते पैसे बना ले उससे, देख दे। अच्छा भाई एक खाली आज मैं पहले बात बताना चाहता हूँ व्यूवर्स को, ये व्यूवर्स को बताइए, जैसे कि कई लोग मुझसे पूछते हैं एक खाली एक रेट, आज मैंने वैसे कभी बोला नहीं है। अच्छा ये बताइए कोई खास मुर्गे का रेट जो आपका हाईएस्ट रेट रहा है, जिसने का आप मुर्गा लाए हो, कोई एक रेट बता दो कोई मुर्गे का जिसका आप लेके आए जो आप आपकी नस्ल में। हाँ कितने तक का मुर्गा लेके रख रखा आपने, पाल रखे? 50,000 तक का एक मुर्गा ले आपके पास है, आप देख लीजिए 50,000 तक का मुर्गा, आप सोचने वाली बात है। अब लोग कहते हैं भाई 50,000 का मुर्गा, हम तो 5,000 के मुर्गे लाए हैं, 2,000 के मुर्गे लाए हैं। ये नहीं है ये कहीं सोचते हो कि ये 50,000 का मुर्गा है, मैं बता रहा हूँ आपको। क्यों भाई जी, ठीक है ना, चलिए आगे देखते हैं। तो भाई जी ये बताइए कौन सा परिंद है? भाई ये परिंद मेरे पे एक पट्टा था एक। हाँ ये मेरे पास ही था। इसका बाप आपके पास था? हाँ 110 विनर था। अच्छा वो मैंने कहीं छुड़वा दिया था, ये उसमें से बना हुआ है। अच्छा तो ये बताइए पहले तो हाइट वाइट में क्या होगा, तो कौन साइज में भाई जी है? कौन साइज में है मुर्गा? 17 साइज में है आपका? ये बहुत ज़्यादा प्यार करता है। अच्छा तो काटता भी है। अच्छा ये देखिए भाई से बड़ा प्यार है भाई मुर्गे को, प्यार में डील विल हो गई क्या इसके? नहीं नहीं डील नहीं है, डील के लिए बांध रखा जैसे। अच्छा डील ना हो, देखिए भाई लाड प्यार से होता है। तो ताज में कौन सा भाई जी पहले बताइए, नीचे छोड़ दीजिए इसको थोड़ा सा। तो ये देखिए भाई, तो ये है भाई, ये साइज में क्या 17 है भाई जी? है 17 भाई, घर की नस्लों में से है। और नलियों का शौक कराता हूँ मैं आपको, नलियाँ देख लीजिए, ये भाई का फेवरेट वर्ड है। हड्डी में क्या है भाई जी? डेढ़ हड्डी है, अभी कुरुज में चल रहे हैं मुर्गे। और ये आ गई बारात पूरी, ये देखिए मुर्गे का शौक करिए और बताइए कमेंट करके। ये घर की नस्ल है भाई जी? हाँ बिल्कुल। ये कहाँ का था इसका बाप? इनका बाप मेवात का ही था, मेवात की नस्ल थी है। आप देख लीजिए भाई मेवाती नस्लों में से है मुर्गी, इसमें हमने ऊंचे गांव की लगा रखी। अच्छा ऊंचे गांव की एक अच्छी नस्ल होती है भाई जी मुर्गों में, आपको बता दूं। ऊंचे गांव वाली का। अच्छा चलिए करते हैं, आइए आगे। भाई जी ये कौन सा बर्ड है अपना, ये बताइए? ये चीता बर्ड है। चीता बर्ड है, साइज में क्या है? साइज में ये 16.5 साइज है। 16.5 साइज है, 15.5-16 है। अच्छा हड्डी में? हड्डी में डबल हड्डी है। डबल हड्डी। ताज में? ताजदार है। ये करेला ताज है भाई जी? नहीं नहीं ताजदार है, करेला ताज भी थोड़ा सा। नलियों का शौक कराता हूँ भाई जी, इसकी नलियाँ देखिए पहले तो, वाइट डंडों में, और ये रस नली है। कांटे देखिए, कांटे इसके एक बेरी कांटा है, एक बेरी है बाकी एक कटेल है। और कुरेज में मुर्गा है, मुर्गा देखिए अभी आपको नीचे उतार कर दिखाऊंगा, बिल्कुल साफ चेहरा एकदम। कहाँ की नस्ल है भाई जी? भाई ये क्या कहते हैं, मथुरा साइड से है। मथुरा साइड से? मेरे को पता नहीं, पर ये मेरे दोस्त का मुर्गा था, मैंने वहाँ से उससे लिया था। अच्छा साइज में क्या होगा ये? साइज में 15.5। 15.5 ये भी नटिया ही है? नटिया ही में आएगा है। चलिए हम देखते हैं इसको, छोड़ कर देखते हैं। ये देखिए भाई ये भी बहुत बढ़िया, अभी कुरेज में है मुर्गे भाई, क्या दिक्कत। मुर्गा देखिए, इस मुर्गे के लिए बड़ी दूर दूर से लोग आ रहे हैं लेने के लिए, भाई ने दिया नहीं और बेचा नहीं। मेरे सामने एक अभी आया था, भाई ने दिया नहीं, अब फिर बोलेंगे व्यूवर्स की भाई बेचते हो नहीं। भाई बेचा भी जाता है, थोड़ी सी खुशामद करी जाती है और थोड़ा सा जतन कराता है अच्छे मुर्गे पालने के लिए। मैं आपको सीक्रेट बता रहा हूँ, थोड़ी सी मेहनत करनी पड़ती है, लोगों को खुशामद करने पड़ते हैं। क्यों भाई? चलिए अगला दिखाता हूँ मैं। तो भाई जी ये कहाँ की नस्ल है मुर्गी है पहले बताइए? ये
ये ऊंचे गांव की नस्ल है। अच्छा ऊंचे गांव की नस्ल, भाई देख लीजिए जरा, गुरु है उन पे प्योर ऊंचे गांव के ही पाल के आए आगे से। अच्छा अब तो देखो मेल वेल होता आ रहा है। हाँ ठीक है, तो उन्होंने अपने टाइम से। अच्छा भाई जी ये बताइए, मैंने सुना ऊंचे गांव की मुर्गी, अच्छा इस पर आपने इसको बेचा नहीं, इसका रेट कौन कितना क्या लगा गया था इस बार मुर्गी का? ये तो मेरे इस मुर्गी के तो मेरे 30,000 भी लगे हैं। 30,000 रुपए लगे, आप देख लो 30,000 रुपए मुर्गी के लगे हुए। और ये देख लो, ये तो खाली जो ब्रीडर होते हैं ना पालने वाले वही बता सकते हैं इसकी खासियत क्या है, और बाकी लाल किला वाले बंदे तो बोलेंगे भाई 2,000-2,500 देख लो। चेहरे का शौक कराता हूँ मैं तुम्हें, 7 साल पुरानी मादिन है। हाँ ये देखो चेहरे का शौक कराता हूँ मैं तुम्हें, ऊँचे गाँव की मुर्गी देखिए, नलियों का शौक करना हो मुर्गी देख लीजिए, बाकी वही बता सकता जिसने पाले हैं भाई, ठीक है ना। बाकी लाल किले वाले तो यही बोलते हैं, हाँ भाई 2,000-2,500 30,000 तो पर रेट लग चुका है इस मुर्गी का, और ये बेची नहीं गई है, और बेचोगे भी नहीं भाई हैं? नहीं नहीं ये हमारे पास मर जाएगी पर हम देखेंगे। चलिए आगे शौक कर। तो ये है भैया इतनी मुर्गियाँ भाई के पास, और ये आया पट्ठा घर का ही। ये माँ है। हाँ ये दोनों इसकी बेटी है, ये दोनों बेटी हैं ऊँचे गाँव वाली, ठीक है। और ये छोड़ दिया, ये बच्चा है घर का, ये भी दिखा रहे। तो अब इसी की माँ है ये। अच्छा हाँ, पर ये मादिन के बाद का है, ये इन पट्ठों के बाद का है। चलिए अब एंड करते हैं हम लोग ना। तो दोस्तों हम वीडियो को एंड करते हैं, और वीडियो अच्छा लगा तो लाइक और शेयर करना, और जिसको मिलना हो मैं आपको फिर से बता रहा हूँ, अपना नंबर कमेंट सेक्शन में डाल देना, कॉल आपको कर लेगा। कई बार लोग मैसेज डालते हैं तो मैं अपना नंबर कमेंट में डाल देगा, मैं आपको कॉल कर लूँगा, ठीक है। और इसी के साथ एंड करते हैं, जय हिंद जय भारत।